नमस्कार दोस्तों, आज सुबह सुबह की एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल एक बोट नदी में समा गई है और इस घटना में बताया जा रहा है कि 300 लोग नाव पर सवार थे जो शादी से समारोह से लौट रहे थे। इस घटना के दौरान 103 जनों को मृत घोषित कर दिया गया है जबकि 97 से भी ज़्यादा लापता हैं, जबकि 100 जनों को बचा लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी के सभी एक शादी समारोह से लौट रहे थे और पुलिस ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि लापता लोगों की तलाश की जा रही है और पूरा मामला नाइजीरिया के क्वारा से निकल कर आ रहा है और नाइजर नदी से इस घटना को अंजाम मिला है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय निवासी ने बताया कि कुछ लोग एग्बोटिक गांव में शादी में गए हुए थे। इसी दौरान भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया था। ऐसे में शादी में कुछ मेहमानों ने गांव से निकलने के लिए बोट से नदी के पार करने का सहारा लिया है। उन्होंने बताया कि दूसरी तरफ के किनारे की ओर आने के दौरान उनकी बोट पानी में छिपे एक पेड़ के तने से जा बिड़ी है और बताया जा रहा है कि दो हिस्सों में विभाजित होने के बाद समा गई है। इसके दौरान अभी तक 103 जनों को मृत घोषित किया गया है जबकि 97 लापता है और दौरान इसमें मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट को अपनी राय जरूर दें।